हेलो बच्चों, तो देखो कल तक हमने क्या बताया था आपको कि आपको बहुत सारे फ्लावर बना के रखने हैं। तो मैम ने देखिए बहुत सारे कलरफुल फ्लावर बना के रखे हुए हैं। तो अब हम इनको थ्रेड के साथ अटैच करना आपको सिखाएंगे कि इनको थ्रेड के साथ कैसे अटैच करना है। ठीक है, आप थ्रेड के लिए चाहें तो आप मोली वाला धागा ले सकते हैं जो आपके घर पर अवेलेबल हो, या आपके पास वाइट कलर का धागा हो तो वो भी ले सकते हैं, या आपके पास इस तरह का कोई भी धागा हो तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसके लिए ये वाला धागा यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास ये है, मोली वाला धागा मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। आप चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, के लिए क्या करना है, देखिए मैं अभी सेंटर वाला बना रही हूँ, है ना। तो सेंटर मैंने सेंटर में रेड कलर का लिया है। तो अभी हम क्या करेंगे, अगर आपके पास कोई सुंदर सा मोती या फिर कोई और सुंदर चीज है जिसको लटकन जिसको आप यहाँ पर लटका सकते हैं तो आप नीचे उसमें लटका दीजिए। ठीक है, लेकिन अगर लटकाने के लिए नहीं है तो आप मेरी तरह इसको इस तरीके से यहाँ पर अटैच कर सकते हैं, है ना। देखिए मैम क्या कर रही है, ये वाला पोर्शन जहाँ पर मैंने आउटलाइन नहीं की थी, एक पोर्शन रह गया था ना, मैंने आपको बोला था कि मैं उसको बाद में करूँगी, तो वो ये है। इसमें मैंने ये धागा लगा दिया है। अब मैं क्या करूँगी, ये जो रेड कलर का और हमारे पास बचा हुआ था, एक जो मैंने आपसे कल मना किया था कि आपको एक नहीं लगाना है, वो एक अब मैं यहाँ पर लगा दूंगी। ठीक है, तो उस एक को अब मैं इसके साथ देखो अटैच कर दूंगी, यानी अब इसमें आपका धागा लग गया है जिससे आप इसको लटका भी सकते हो। इस तरीके से ये लटक रहा है ना, ऐसे तो उस तरीके से आपको इसको कंप्लीट करना है। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से इसको कंप्लीट किया और ये धागा इसके अंदर अटैच कर दिया है ना। तो आपको भी इसी तरीके से इसमें धागा अटैच करना है। ठीक है, ये एक हो गया। अब मैंने आपको बोला था 24 बनाने के लिए, है ना। तो इस लेकिन मैंने यहाँ पे ज़्यादा बनाए हैं तो आप मेरे जितने ना बनाए। अभी मैं यहाँ पर दूसरा लगा रही हूँ, है ना। आपको यहाँ पर फिर दूसरा लगाना है, थोड़ी सी दूरी रखकर दूसरा धागा इस पर अटैच करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये लगा दिया फेविकोल और थोड़ी सी दूरी रखकर इसको अटैच करना है। इसको इसके साथ सीधा रख के इसको इसके साथ इसको अटैच कर। ठीक है, ये दो लग गए हैं इसमें। अब मैं यहाँ तीसरा लगाने वाली हूँ। ठीक है, आप चाहें कलरफुल लगा सकते हैं, मैं यहाँ पर रेड लगा रही हूँ सेंटर वाली लाइन में। आप जैसा चाहें वैसा यूज़ कर सकते हैं, है ना। अगर आपने कलरफुल बनाए हैं, मैं कलरफुल भी बनाए हैं मैंने, उनको भी मैं अभी यूज़ करूँगी, लेकिन जो मेरी सेंटर वाली लाइन है उसके लिए मैंने रेड चूज़ किया है। तो मैं यहाँ पे रेड लगा रही हूँ। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी लाइन में कौन सी जगह पर कौन सा कलर लगाना चाहते हैं। मेरे तीन फ्लावर अटैच हो गए। अब मैं इसमें चौथा अटैच करने वाली हूँ, 4 नंबर। ठीक
तो आपको सेंटर में सिर्फ 4 लगाने हैं, क्योंकि मैंने आपको जो कैलकुलेशन बताई है उसके अकॉर्डिंग आपके बीच में 4 लगेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा बड़ा बना रही हूँ इसलिए मैंने 5 ले लिए हैं, लेकिन आपको 4 ही लगाने हैं, वरना आपका कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको 24 ही बताए हैं। ये मैंने इसको यहाँ पर इसको भी अटैच कर दिया। ठीक है, ठीक है, और लास्ट ये है मेरे पास 5 जिसे मैं अटैच कर रही हूँ। आपको 4 ही अटैच करने हैं, मैं वापस आपको बता रही हूँ कि आपको 4 ही अटैच करने हैं, क्योंकि मैंने आपको 4 ही बनवाए हैं। आपको जो मैंने कैलकुलेशन बताई है उसके अकॉर्डिंग आपके 4 ही बनेंगे, तो आपको सेंटर वाली जो भी लाइन आप बना रहे हैं उसमें आपको 4 लगाना है। ठीक है, इसके साथ यहाँ अब हम इनको सूखने के लिए रख देंगे। ठीक है, अभी मैं आपको दूसरा वाला बताती हूँ कि हमें दूसरा वाला क्या बनाना है। आपको इस धागे को लंबा, बहुत लंबा सारा छोड़ देना है, क्योंकि आगे हम इस धागे को अटैच करेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने तो अभी इसको ऐसे ही छोड़ दिया है। ये देखिए, ये बन गया है ना। अभी हम दूसरा बनाते हैं, तो दूसरे के लिए मैं एक दूसरा धागा यूज़ कर रही हूँ। This time I am using blue color thread. Okay. अभी मुझे एक उसमें 4, इसमें मैंने 5 लगाए थे, इसमें मुझे एक उसमें 4 लगाने हैं। तो मैं कलर चूज करती हूँ कि मैं जिसमें 4 लगाने वाली हूँ उसमें मैं कौन कौन से कलर यूज करूँगी। 1, 2, 3, 4 ये 4 कलर हैं, और एक में मुझे 3 कलर लगाने हैं। तो वहाँ में 1, 2 और 3, एक में मैं 3 कलर लगाने वाली हूँ, है ना। तो मैं इस तरीके से इसको बनाने वाली हूँ। तो मैं ये यहाँ नहीं ले रही हूँ, क्योंकि ये सेम हो जाएंगे। इसको मैं यहाँ लेती हूँ, इसको मैं यहाँ लेती हूँ, और ये कलर मैं यहाँ ले रही हूँ। इसको ऐसे और इसको ऐसे। ठीक है, ये मैं इस तरीके से बनाने वाली हूँ। तो अभी मैं फर्स्ट यहाँ पर ग्रीन वाला लगाना है मुझे। और यहाँ से एक ग्रीन कलर का जो मैंने छोड़ा हुआ था उसको मैं यहाँ पे लगा लूँ। तो ये देखिए, दूसरी वाली जो मैंने लाइन बनाई है कलरफुल से बनाई है, और उसको मैंने क्या किया है, 4 मैंने उसमें लगाए हैं, और फिर उसके बाद एक और लाइन बनाई है जिसमें मैंने 3 लगाए हैं। तो आपको क्या करना है, क्योंकि मैंने आपको एक एक सब में कम बताया है, तो आपको इस वाले में 4 लगाने हैं, इस वाले में 3 लगाने हैं, और इस वाले में 2 लगाने हैं जहाँ मैंने 3 लगाए हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ऐसे वाली 4 और ऐसे वाली 4 बनानी है। ये वाली आपको 1 बनानी है, जो बड़ी वाली है वो आपको सिर्फ 1 बनानी है, और उससे छोटी वाली आपको 4 बनानी है, फिर उससे भी छोटी वाली आपको 4 बनानी है। तो आपको आप इतना कंप्लीट करके रखेंगे, कल हम इसको कंप्लीट करके आपको बता देंगे कि ये कंप्लीट कैसे। ठीक है, बाय बाय।